स्वागत है जी आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्लब विंटेज 8 में। मैं हूं आपका दोस्त सरबजीत लुधियाना पंजाब से, लेके आया हूं एक और नई वीडियो जिसमें आपको दिखाया जाएगा आज कैनवुड का स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर जिसका मॉडल नंबर है KA5010। सो पहली वीडियो के ऊपर सभी का बहुत प्यार मिला मुझे टेक्निक्स के ऊपर, सो उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आज कैनवुड का बहुत ही प्यारा एम्पलीफायर जो कि है मेड इन जापान, और इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे मेड इन जापान के लोगोज भी लग रखे हैं अभी तक। सो ये तो है जी इसकी फ्रंट लुक। मैं अभी आपको आप देख रहे होंगे वीडियो में ये बिल्कुल डार्क चारकोल कह सकते हैं आप इसको, यह डार्क ब्लैक कलर में आता है और इसकी जो वॉल्यूम नॉब्स हैं और बाकी नॉब्स हैं वो चारकोल ब्लैक में आती हैं। और ये जो इसका फ्रंट बॉडी है ये मेटल की है और ये सभी नॉब्स भी मेटल की ही हैं, बट ये वाला शाइनी ग्लॉसी में है और ये जो नॉब्स वगैरह हैं ये सभी मैटी लुक में है। सो देखने में ये बहुत ही प्यारा लगता है। कंडीशन इसकी बिल्कुल साफ है, आप देख सकते हैं वीडियो में भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन पड़ा हुआ है। और अब मैं इसकी आपको एक बार परफॉर्मेंस के ऊपर लेके जाने से पहले इसके फीचर्स और इसके जो एनालॉग बटन्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं आप सभी को। तो यहां पे तो है जी इसका पावर ऑन और ऑफ का बटन। यहां पे शुरुआत करते हैं जी, तो ये है इसका हेडफोन सेक्शन, मतलब आप यहां फोन से या हेडफोन्स भी लगा सकते हैं। ये स्पीकर्स के लिए है, यहां से स्पीकर ऑफ हो जाएंगे। यहां पे ए बी और ए और बी दोनों इकट्ठा चला सकते हैं। फिलहाल मैंने ए पे लगा रखे हैं तो मैं ए पे ओके कर देता हूं। ये है इसका बेस का ऑप्शन जो कि -10 से लेके, यहां पे देखिए -10 से लेके +10 तक जाती है, और सेम ऐसा ही ट्रेबल सेक्शन में है। ट्रेबल भी इसका -10 से लेके peak 10 पावर तक जाता है। यहां पे है इसका बेस इंटेंसीफायर, जैसे बाकियों में आपने देखा होगा कि लाउडनेस का बटन दे रखा होता है, बट यहां पे नहीं, बट उसको थोड़ा एडवांस करके बेस इंटेंसीफायर में इन्होंने नाम रखा हुआ है इसका। और दूसरा वाला जो है सबसोनिक फिल्टर के लिए है, और यहां पे बैलेंस के लिए है, और ये एडाप्टर टेप या फिर टेप 3 ये कार्ट्रेज के लिए यहां पे दे रखे हैं। यहां पे एक बहुत ही बड़ा एक जॉग डायल है, वॉल्यूम कंट्रोल है जो कि 0 से लेके 30 peak power तक जाता है। और ये है इसका सोर्स डायरेक्ट ऑप्शन, अगर आपने आवाज कम करनी है तो यहां पे सिंपल प्लस करोगे तो ये आवाज कम हो जाएगी और यहां से बढ़ जाएगी। और ये जो दो नॉब्स हैं ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चली थी उस वक्त, मोस्टली टेक्निक्स में भी ये नॉब्स मिलती हैं आपको देखने में, सोनी में भी मिलती हैं, कैनवुड में भी मिलती हैं, पाइनियर में भी मिलती हैं, क्योंकि ये वाली नॉब्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में चली थी उस वक्त। कई मैंने एम्पलीफायर्स ऐसे सेल किए हैं जिसके अंदर ये नॉब्स यूज की जाती हैं। तो ऑप्शन की बात करूं तो यहां पे टेप 2 टेप 1 टेप 1 2, यहां पे ऑफ मींस सिंपली बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। मैं फोकस करता हूं एक बार, यस। तो यहां पे सोर्स आ जाएगा, सीडी आ जाएगी, ट्यूनर आ जाएगा, ये इसके ऑप्शंस रहेंगे। और ये इसके हैं इनपुट सिलेक्टर के, कि आपने यहां पे साउंड का कौन सा सोर्स देना है इसके अंदर, जैसे कि टेप देनी है, 2 कैसेट प्लेयर्स यूज कर सकते हो या फिर डैट भी यूज कर सकते हो। यहां पे इसका ऑक्स है जो कि मोस्टली हर कोई यूज करता है इसको, और दूसरे वाला है ट्यूनर सेक्शन, और थर्ड वाला है इसके अंदर फोनो, मीन टू से यू कैन प्ले रिकॉर्ड प्लेयर ऑन दिस ब्यूटिफुल सिस्टम। सो ये है जी इसकी बैक लुक, बैक से भी वैसा ही है जैसा कि आगे से है। यहां से चलते हैं इसके मॉडल नंबर के ऊपर KA5010। यहां पे इसका होलोग्राफिक होलोग्राफ में दे रखा है इसका सीरियल नंबर जो भी है, और बता रखा है यहां पे कि ये है स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर कैनवुड कॉरपोरेशन मेड इन जापान, बेसिकली ये जैपनीज ही होते हैं सभी। तो यहां पे स्पीकर टर्मिनल्स की बात करूं तो ये हैं इसके स्पीकर टर्मिनल्स, ये हैं ए पार्ट, यहां पे ए में लग जाएंगे स्पीकर और बी में लग जाएंगे। ए यूनिट में 2 स्पीकर लगते हैं, ये वाला एक और ये वाला एक, और यहां पे बी सेक्शन में भी 2 स्पीकर्स लगते हैं। आप चाहो तो सिंगल
एस राइड भी चला सकते हो, मीन टू से एक स्टीरियो साउंड सुन सकते हो दो स्पीकर लगा के, और या फिर चारों स्पीकर भी रन कर सकते हो फ्रंट पैनल से ए और बी का क्लिक करके। तो ये है जी इसकी बैक साइड की, और ये है इसके ऊपर लाइन इन गेन फंक्शन दे रखे हैं। यहाँ पे ऑक्स है, ट्यूनर है, सीडी प्लेयर है, और ये इसका बाकी टेप डेकिंग जैसे रिकॉर्डिंग करने के लिए उसके लिए दे रखा है। और ये है इसका ग्राउंड का बटन दे रखा है, एंटीना होता है एफएम यूज करते वक्त ये काम आता है। तो ये होगी जी इसकी बैक लुक। अगर बात करूं इसकी लॉन्च ईयर की, बॉर्न ईयर की, तो ये 1989 में आया था और 1990 में ये डिसकंटिन्यू हो गया था। ओवरऑल 30-40 ईयर्स से ऊपर हो चुका है इसको, बट कंडीशन वाइज बिल्कुल साफ सुथरा पीस है। बात करूंगा जी इसकी पावर आउटपुट की, तो इसके अंदर है 80 वॉट पर चैनल इनटू 8 ओम स्टीरियो, मीन टू से भी 80 वॉट पर चैनल है ये। इसके अंदर चार चैनल हैं, एक चैनल 80 वॉट पर चैनल के ऊपर 8 ओम स्टीरियो रन करता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करूं तो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, जो कि बहुत ही बढ़िया आउटपुट देने के लिए है। तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की बात करूं तो 0.06% है, डिस्टॉर्शन फैक्टर बहुत ज्यादा कम है। और इसके बाद इसकी बात करता हूं चैनल सेपरेशन की, 52 dB है MM के ऊपर और 55 dB है लाइन के ऊपर। आउटपुट इसकी है 150 MB लाइन के ऊपर। और इसके वेट की अगर बात करूं तो वेट है इसका 11 किलो 700 ग्राम, लमसम 12 किलो के आसपास है। ये काफी बड़ा एम्पलीफायर है। आपको अभी मैं फ्रंट लुक दिखा रहा हूं, फिर मैं इसको आपको ऊपर से दिखाता हूं कैसा है ये। तो ये तो हो गया जी इसकी थोड़े से फीचर्स जो भी इसके अंदर है मौजूद हैं। और इसके अंदर बात करूं तो ये बहुत ही स्टर्डी और पावरफुल एम्पलीफायर है, साउंड बहुत ग्रेट है, गुड क्वालिटी, स्ट्रांग बेस, और बात करूं वेरी वर्सटाइल गुड स्पीकर कनेक्शंस है इसके अंदर। मतलब लगा सकते हो 12 इंच तो बड़े आराम से रन कर ही लेता है। उसके अलावा सो बहुत ही स्ट्रांग पावर आउटपुट है इसके अंदर, वेल मैनेज करती है डिफिकल्ट लोड्स को भी। एक्सीलेंट साउंड है, क्रिस्टल क्लियर एंड परफेक्ट बेस आपको ये देगा। काफी ज्यादा इनपुट के ऑप्शंस हैं जैसे कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूं। डायरेक्ट ड्राइव पॉसिबल, बाईपासिंग ट्रेबल बास एंड बैलेंस सर्किट्स सब कुछ दे रखा है इसके ऊपर एनालॉजिकली, जैसे कि विंटेज में आता ही था। और इसका डिजाइन जो है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो अब मैं आपको लेके जाता हूं इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, तो आप मेरे को बताना आप इसकी परफॉर्मेंस कैसे है। सो दोस्तों चलते हैं इसकी परफॉर्मेंस की ओर। मैं आपको अब चला के दिखाता हूं कि इसकी कैसी परफॉर्मेंस है। बेसिकली मैंने इस वक्त 12-12 इंच के स्पीकर्स लगा रखे हैं, जो पहले मैंने टेक्निक्स के साथ भी लगा रखे थे, क्योंकि अच्छी पावर आउटपुट के हैं वो, 200 वाट प्लस के आसपास हैं, तो बढ़िया साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो अभी मैं, आप देख सकते हैं, तो मैंने यूट्यूब ओपन कर रखा है, यहाँ पे ATB 9PM स्नेबास्टर रिमिक्स है, जो कि बहुत ही बढ़िया बेस, ट्रेबल, मिड, स्लो सब कुछ इसके अंदर है। सो मैं यही गाना ज्यादा प्रेफर करता होता हूँ डेमो देने के लिए। सो यहाँ से इसको ओके करता हूँ और यहाँ से इसकी पावर को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे इसको रखते हैं। सॉरी बीच में रोक रहा हूं, प्लीज इसकी अगर आपने प्रॉपर क्वालिटी सुननी है तो प्लीज अपने हेडफोन्स जरूर लगा लेना। सो हियर वी गो। तो यहां पे दिखाता हूं जी आपको एक चीज कि यहां पे अगर आप चाहो तो, अभी मैंने ए स्पीकर लगा रखे हैं तो ये ए के ऊपर है, यहां से ये बी पे हो जाएगा, मतलब इसके पीछे दो स्पीकर्स और अटैच हो जाते हैं। ए सेक्शन में दो लगते हैं, बी सेक्शन में दो लगते हैं, और जो ए और बी है वहां पे आप चारों स्पीकर एक साथ भी रन कर सकते हैं
एम्पलीफायर के ऊपर कोई भी लोड नहीं पड़ेगा और उसको बहुत ही स्मूथली ये रन करेगा। तो फिलहाल मैंने इसके ऊपर ए पे लगा रखा है, तो मैं आपको यहां से ए पे ले जाता हूं। बात करूंगा इसकी बेस की, तो यहां पे आप बेस को डिफीज कर सकते हो, यहां पे बेस डिफीट हो जाएगी, बिल्कुल लो चलेगी। ठीक है जी, यहां से थोड़ा सा गाने का अब बेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, अब बेस बहुत ज्यादा हो चुकी है, थोड़ा सा मेरे को ऊंचा बोलना पड़ रहा है। और यहां से आपकी ट्रेबल लो हो जाएगी, ट्रेबल नहीं मिलेगी आपको, और यहां से ट्रेबल फुल हो जाएगी। तो इधर ये वाला फंक्शन दिखाता हूं, यो है सोर्स का डायरेक्ट। यहां पे इसको क्लिक करोगे तो आवाज बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगी। सो यहां पे जी आप इसको वॉल्यूम डिफीट कर सकते हो, मतलब अगर एकदम से आपने आवाज को कम करना है तो नॉर्मल इसको कर सकते हो, सब कुछ बेस ट्रेबल कम हो जाएगी अपने आप इसकी। यहां पे क्लिक करते साथ दोबारा फिर पंच में आ जाता है। और ये है जिसका बेस इंटेंसिफायर, इसको बंद कर दूंगा मैं फिलहाल यहां से, तो थोड़ा सा बेस में फर्क पड़ जाएगा। इसको क्लिक करते सारी ये और बढ़ जाएगा। और ये है इसका सबसोनिक फिल्टर, ये भी प्रॉपर वर्किंग में है। बेसिकली ये ज्यादा बढ़िया वर्क करता है जब आप इसके साथ एक रिकॉर्ड प्लेयर यूज करोगे, विनाइल यूज करोगे, तब जो इसकी जो भी इसकी परफॉर्मेंस है वो बढ़िया से पता लगेगी आपको। सो बात करता हूँ जी इसके प्राइस सेक्शन की, तो प्राइस इसका रहेगा सिर्फ 15,000 रुपया, और 15,000 में आपको पैकिंग जो होगी वो इंक्लूडेड मिलेगी, और जो इसके शिपिंग चार्जेस होंगे वो आपको बेयर करने पड़ेंगे। तो ये आपको पड़ेगा 15,000 में, ये मॉन्स्टर ब्यूटी आपकी हो सकती है सिर्फ 15,000 रुपये में। और जिसको भी जरूरत होगी आप मेरे नंबर के ऊपर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको इसकी जो फोटोज हैं, वर्किंग वीडियोज होंगी, सब कुछ वहां पे भेज दूंगा। सो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए सभी को राम राम जी, धन्यवाद।